Hi guys, I'm Kritika. Welcome back to my channel. आज है मेरे साथ पिता श्री और माता श्री. मैंने Instagram पे डाला था क्वेश्चन स्टैम्प पे और मैंने बोला था कि कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, मेरे मॉम डैड आंसर करेंगे. सो आज ये सारे राज खोलने वाले हैं. मम्मी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इन्हें 2-3 स्टोरीज याद आ गई है बैठे बैठे. ओके, फैमिली Q&A, गेट टू नो मी टैग, सब कुछ साथ में मिक्स है. ये प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बोलो बोलो एंड विदाउट. ये पता है आपको क्या करती हूँ मैं, वीडियो स्टार्ट किया क्या करती हूँ ये देखो, पापा को पता है, आपको नहीं पता मम्मा. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले आप दोनों को जानने के लिए किसी ने क्वेश्चन भेजा कि आप दोनों मिले कैसे थे. हम दोनों तो अरेंज मैरिज थी हमारी. तो जब आप मम्मा से पहली बार मिले थे आपके दिल में वो आवाज आई थी, लड़की को देखा तो पता पापा क्या बोल रहे थे. जब मेरे को पहली बार देखने आए ना, मैंने बिल्कुल सिंपल व्हाइट सूट डाला हुआ था, ऐसे पोनी ऊपर और ऐसे गुन कर, ऐसे नहीं करते जो पोनी झूले वाली, झूले वाली. पहले मेरी बड़ी सिस्टर को देखा तो इनके जीजे ने पता क्या बोला, जीआई ने, उन्होंने बोला यार इमारत अच्छी है तो क्या, नहीं खंडर अच्छा है तो इमारत भी अच्छी खड़ी होगी, मतलब बहन बड़ी की बहन सुंदर होती छोटी भी सुंदर होगी. तो उसके बाद फिर इन्होंने जाते ही गाड़ी में यस कर दी थी. आपको पसंद आई मम्मा पहली बारी में, क्या बात है, फिर लव स्टोरी चालू. हां फिर लव स्टोरी चालू. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब मैंने करियर चूज करा था तो आप दोनों का रिएक्शन क्या था और आपको आपके मन में सबसे पहले ब्लॉगिंग का ना, हां और सबसे पहले थॉट क्या आई थी जब मैंने बोला कि मुझे ब्लॉगर या मुझे यूट्यूबर बनना है, तो क्या थॉट? तो मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था. तो मैंने फिर भी तेरा साथ देने के लिए मैंने कहा तुझे जो चाहिए जो करना वो कर, मैं तेरे साथ. हमारे लिए बिल्कुल नया था, हमें कुछ इस बारे में नॉलेज नहीं. तो आपको ऐसा लगा नहीं कि बड़ी मतलब कोई सिक्योर जॉब नहीं है कि ना, ना ना ऐसा कोई फीलिंग नहीं हुई, बस जो यही था कि जो मन में आ रहा है करे. नाइन्थ क्लास से ही तू ये चीजें लैपटॉप पे, बच्चे कुछ और खोलते हैं क्या खोलते हैं क्या नहीं, लेकिन तू इसमें थी हमेशा. तू ब्लॉगिंग के बारे में देखती थी, बाहर बाहर के चैनल्स देखती थी, वो सब देखती रहती थी, इसलिए तुझे उससे ज्यादा हुआ. तो मुझे भी लगा कि कहने का मतलब ये है कि मेहनत करो, आप कुछ भी करो और दिल लगा के करो, तूने उसमें आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे. तुझे याद है तूने नाइन्थ क्लास में जब हमने शिफ्टिंग की थी, डायरी निकली थी जिसमें इलेवेंथ क्लास में तूने लिखा था कि मैं इतने अर्न करूंगी. मैंने वो वीडियो भी अभी बनाई थी एक अनकट कृतिका में, मैंने बताया था. याद है फिर आपने मेरे को दिया था, मैं रोने लग गई थी देख के. सो किड्स अचीव योर ड्रीम्स, और अगर आप अच्छे बच्चे की तरह रहोगे ना अपने पेरेंट्स के साथ, उन्हें दिखाओगे कि आप कुछ कर सकते हो तो वो आप पे ट्रस्ट भी करेंगे अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े मसाले वाले क्वेश्चन पे आते हैं. हाँ, व्हाट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग यू हैव एवर डन, सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज मैंने आज तक जो करी है या आप एम्बैरेस हुए हो? मैं बताती हूँ क्या हुआ था. ये स्कूल में मतलब कि इनके ना लॉन्ग स्कर्ट चलती थी, तो लिस की थोड़ी शॉर्ट थी और रिबन वगैरह, मतलब कि मैंने ही मतलब कि बहुत ज्यादा लॉन्ग थी, मैंने फोल्ड करके सर को डलवा दी थी, नीस तक थी, फिर भी मतलब कि नीस से भी नीचे. बहुत दिन की जो टीचर थी ना, पीटी टीचर थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी. तो एक दिन ये रिबन विबन तो सब लगा के गई, पूरी पंक्चुअल होके तैयार होके जाती थी, तो इसकी फ्रेंड नहीं लगा के आई थी रिबन. इसने क्या किया, आधे काट के उसको लगा दी. पढ़ाई में तो पढ़ाई नहीं है. और इसके रिबन सिर्फ इतने रह गए जिसमें एक नॉट बंधी. और फिर उसने मेरे को पता है पीटी टीचर ने मेरी निकाला कैसे था. मैं लाइन में खड़ी थी, मैंने बहुत फट्टू किड होता ना ऐसे कि बस मेरे को मैं ना फंस जाऊं मैं ना फंस जाऊं. उसने ना ऐसे करके बाल पकड़े, ऐसे करके खींच के मुझे लाइन में से निकाला और बीच में खड़ा कर दिया. और तेरी स्कर्ट भी उधेड़ दी कि सीम रिपर दिया और बोला खोलो सबके सामने वहीं पर खड़े. ऐसे टॉर्चर किया जाता था हमारे स्कूल. तो बहुत बहुत एम्बैरेस हुई थी और तू रोई भी बहुत. फिर मैं अगले दिन प्रिंसिपल से मिली थी. तो आप क्यों एम्बैरेस हुए? आप हुए एम्बैरेस? नहीं नहीं, मैं नहीं हुई. मैं तेरे को देख के लगा कि स्कूल है ऐसे नहीं करना. मैं एम्बैरेस हुई थी, मेरा मोमेंट बता रही है कि मैं जिस दिन ज्यादा एम्बैरेस हुई कि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया. तूने कोई ऐसा मोमेंट दिया ही नहीं हम एम्बैरेस हो. मेरे तो अनमोल रत्न. अरे आपने वो मिस कर दिया. एक ये हुआ था, एक बार मैंने वो चेकबुक मिलती थी पाकर पेन के साथ, तो मुझे बहुत पसंद थे वो पेन. उसके साथ चेकबुक मिली, मैंने अपनी फ्रेंड को, उसका नाम मानसी था मुझे अभी भी याद है, उसको मैंने वो चेक लिख के दिया. मेरी टीचर पता नहीं क्यों, ऐसा होता ना कोई आपके पीछे पड़ जाता, टीचर वो पड़ गई थी, उन्होंने मेरे बैग में से निकाला और घर से सबको बुला लिया, कॉल कर दिया. और मैं इतनी एम्बैरेस होती थी कि शिट मेरे पेरेंट्स को बुला लिया, मम्मा मेरे लिए लड़ी थी फिर वहां पर. और थप्पड़ मार देते थे, बताओ ऐसे कौन मारता.
मेरे में प्रॉब्लम। नहीं अब लीक अब तो पूरी टूटे एकदम, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जब एज थी बॉयफ्रेंड बनाने की तब बनाने नहीं दिए, अब बना लो चलो, अब नहीं अब सीधा शादी करेंगे। मेरी फनीएस्ट हैबिट एज अ चाइल्ड, हमेशा जोली मूड होता था तेरा, जोली मूड होता था। और तू एक वो डांस करती है ना वो वाला, जब तेरे को आंसू कहता है घोड़े हंसा हंसा वाला डांस, बहुत फेमस था इसका, हंसा वाली करियो जो अभी नहीं कर रही है। चला तू इसे नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड तेरा वो। आप लोग किसी ने लिखा है आप लोग आपस में इतना प्यार करते हो, मैं बहुत मजा आता है आपके व्लॉग्स वगैरह देख के, बट अगर कोई लड़ाई होती है आपके बेंस के साथ तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, मतलब मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ और कैसे हम सॉल्व करते हैं? अगर तेरी हमारे साथ हो, हमारे यहाँ लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं जैसे नॉर्मल घरों में होती हैं, मगर सॉल्व भी बहुत जल्दी होती हैं, बहुत बढ़िया, एक दूसरे को समझ जाते हैं सब। कुछ नहीं बोलेगी और वॉशरूम में जाके खूब रोएगी और फिर आके नॉर्मल हो जाती है। बाथरूम में जाके रोई और बाहर निकल के आई है एज अ न्यू पर्सन। और हाँ, और कभी भी ये अपनी फीलिंग बताती भी नहीं थी, कभी दुखी भी होती थी ना बचपन में भी, तो हमेशा बाबा जी की फोटो लेके उनसे बातें करती थी, उनके साथ सारी फीलिंग बताती थी कि रात को कृतिका रो रही थी और बाबा जी से बातें करी थी फोटो लेके। किसी ने पूछा है व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा। कोई लाए हो आप अभी तक? नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा, हो जाएगी नेक्स्ट ईयर तक, आ जाता है सब अपने आप। ऐसे नहीं होता, हम पहले 6-7 मंथ जानना चाहिए। पहले जब हम ढूंढते थे तो कहती थी मैंने नहीं करनी अभी शादी, मैंने नहीं करनी, मैंने नहीं करनी। अब हम ढूंढेंगे, बस अब ये टाइम आ गया, अभी तो कोई मिलेगा भी नहीं, बाहर ही नहीं निकलना स्टार्ट है, मगर वो कोरोना के कारण थोड़ा रुक गए थे, थोड़ा कोई अच्छा आ रही है कोरोना के लिए हमारे, इसके लिए कोई परफेक्ट कोई मिलेगा तो हम करेंगे। रिश्ते नहीं ढूंढ रहे, यूट्यूब पे नहीं ढूंढ रहे। नहीं, इसी क्वेश्चन के साथ है कि आपको कैसा लड़का चाहिए? फिर मैं बताती हूँ, मुझे तो इसके लिए ऐसा चाहिए जैसी ये है ना, बिल्कुल कूल और क्लियर हार्ट और जो है सबके लिए दया और मतलब कि अच्छा वो रखती है। और फिर भी मगर हर लड़के में ना, मैं तो यही चाहूंगा कि एक सच बोलने की हिम्मत हो। हाँ। सच बोले हमेशा, अपने आप सब ठीक होता जाता है और मेहनती हो, और ऐसा भी बाकी जैसे सब, तेरा बाकी सब अपने आप सब जुड़ता जाता है, पैसा वगैरह सब जुड़ जाता है अगर ये दोनों चीजें हैं। और एक ऐसा भी है और तेरी, सच्चा है। तेरी इस लाइन को भी समझे, जैसे तू ट्रेवल ब्लॉगर भी है वो भी है, अगर तुझे कहीं जाना पड़े या कुछ है तो भाई उसमें वो लोग ऑब्जेक्शन ना करें कि भी नहीं ये नहीं, कि जो तेरे करियर में ना बिल्कुल हो गए तेरे को सपोर्ट करे। That's right, that's amazing. अगर आपको लगता है आप वो लड़के हैं तो कमेंट डाउन में लो। Yes, yes. पापा का नंबर मैं दे दूंगी डायरेक्ट, पापा से बात करनी है, जीवन साथी की क्या जरूरत है। ले मेरे से भी कर सकते हो मम्मा। अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकंड लास्ट है। मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही होती, जो भी अभी कर रही हूँ ना कर रही होती, तो आप लोग क्या चाहते हैं आप, और आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूँ आगे? जैसे तू, तूने वो भी किया अपना 4 ईयर का जो अपना सारा फैशन डिजाइनिंग का वो किया है, तो शायद तू उस लाइन में भी जा सकती थी, लेकिन तूने हाँ, लेकिन तूने वो नहीं चुनी, तूने अपना मतलब कि जैसे जो तू 9th क्लास से ही जिस चीज़ के पीछे लगी हुई थी, तूने अपनी वही चीज ली, तो हमने कहा चल ठीक है, नहीं तो शायद तू फैशन डिजाइनिंग में जा सकती। आप क्या चाहते थे मैं क्या बनूं? नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता था, मैं तो यही चाहता था जिसमें बेस्ट हो वही कर बस। ओके लास्ट क्वेश्चन, अच्छे नोट पे एंड करते हैं। हमारा आज तक का बेस्ट ट्रिप कौन सा रहा है जिसपे हम सब ने साथ में बहुत एंजॉय करा? बचपन में जाए तो कुल्लू मनाली हम गए थे, एक बार नैनीताल भी गए थे हम, सारा जिसमें रेड ड्रेस में फोटो है वो वाला बेस्ट ट्रिप था। अच्छा था, मुझे तो याद नहीं है वो, बट मेरे लिए कुल्लू मनाली लगा था। कश्मीर का भी तो बहुत अच्छा था। कश्मीर के टाइम में ना मैं वो वाला बच्चा होता है ना, ऑकवर्ड स्टेज पे होता है, मैं उस स्टेज पे थी, बट मैंने उस टाइम कुल्लू मनाली में बहुत एंजॉय करा था। वो टाइम अच्छा होता है ना, आप सिर्फ कजन चाहिए होते हैं, फैमिली होती है, तेरी एज भी ऐसी थी कि तूने भी खूब एंजॉय किया। That's it guys, I hope you guys enjoyed it. और हाँ, लड़के को अगर फोन करना है तो कृतिका के लिए मुझे कर दे। ये मेरे मम्मी पापा चाहिए, अब लूडो खेल के फ्री हो चुके हैं, अब इन्हें याद आ गया कि बेटी बड़ी हो गई है रिश्ते चाहिए, तो अब यूट्यूब का सारा लिया जा रहा है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम, रिश्ते जो आए होंगे उनको प्रूव होना ठीक है गाइस। चलो we'll see you in the next one, subscribe to my channel, comment down below, share it with your friends and that's it. कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा नमस्ते करेंगे, आज हम नमस्ते करके करेंगे। बाय गाइस।